फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गिटार ट्यूटोरियल से दर्पण। फ्रेंड्स, यूट्यूब पे रिसेंटली 4 डेज पहले सिंगर दर्शन रावल का एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, एक तरफा सॉन्ग रिलीज हुआ है। तो वो सॉन्ग बहुत ही अच्छा लगा, तो इसी सॉन्ग का मैं इंट्रो पार्ट, स्ट्रमिंग पैटर्न एंड ओरिजिनल कॉर्ड्स आप लोग को सिखाने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो पे फर्स्ट टू लास्ट बने रहिएगा। और आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए। तो आइए चलते हैं लेसन की तरफ। तो आइए फ्रेंड्स, इसका इंट्रो पार्ट कैसे बजाते हैं वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो जो इसका इंट्रो पार्ट है वो हम लोग का सेकंड स्ट्रिंग से हम लोग को प्ले करना है। सेकंड स्ट्रिंग के 6 फ्रेट पे आप लोग बजाएंगे इस टाइप से। उसके बाद 6 to 8 स्लाइड करेंगे, उसके बाद 8 to 10 स्लाइड करें, उसके बाद 10 to 5 फ्रेट जाएंगे। ये हो गया हम लोग का पहला पैटर्न। अब इसको ये हो गया एक पैटर्न। उसके बाद 3rd fret and 5th fret पे बजाएंगे इस टाइप से, 3 5, उसके बाद 5 to 6 स्लाइड, उसके बाद 6 to 8, उसके बाद 8 to 13 फ्रेट जाना है हम लोगों को स्लाइड करते हुए, मतलब 8 फ्रेट से 13 फ्रेट तक हम लोग स्लाइड करेंगे ये इस टाइप से। उसके बाद फिनिशिंग जो होगा वो 10th फ्रेट पे होगा। तो पैटर्न हम लोग का इस टाइप से हुआ, मतलब स्लाइड करना है। हो गया हम लोग का पहला पैटर्न। उसके बाद जो सेकंड वाले में एक म्यूटेड टाइप का बजा है, इस टाइप का बजा है। तो इसको आप लोग को क्या करना है, हम लोग का जो ये पाम है इससे स्ट्रिंग को हल्का सा मतलब प्रेस करना है। और जो हम लोग का फोर्थ स्ट्रिंग एंड थर्ड स्ट्रिंग का जो 7th फ्रेट है वो दोनों फ्रेट को आप लोग को फर्स्ट फिंगर से दबाना है इस टाइप से, इस टाइप से म्यूटिंग टाइप का। अगर हम लोग ओपन नहीं बजाएंगे तो ऐसे होगा, और म्यूटेड टाइप का इस टाइप का। और 7th 3rd फ्रेट का जो 7th फ्रेट में, 4th फ्रेट का 7th फ्रेट एंड 4th स्ट्रिंग का 7th फ्रेट एंड 3rd स्ट्रिंग का 7th फ्रेट दोनों में हम लोग, उसके बाद 3rd स्ट्रिंग का 9th फ्रेट, उसके बाद सेम पैटर्न फिर रिपीट होगा। यही है हम लोग का इंट्रो पार्ट। तो मैं आप लोग को इंट्रो पार्ट फिर से बजा के दिखाता हूं एक बार। ये हो गया, उसके बाद तो ये हो गया हम लोग का इंट्रो पार्ट। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को इसका स्ट्रमिंग पैटर्न दिखाता हूँ। इसका स्ट्रमिंग पैटर्न जो है वो डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस टाइप से इसका स्ट्रमिंग पैटर्न होगा। तो हम लोग सॉन्ग के साथ इसका स्ट्रमिंग पैटर्न बजाते हैं। तो इस टाइप से इसका स्ट्रमिंग पैटर्न है। तो स्ट्रमिंग पैटर्न को आप लोग स्लोली स्लोली, मतलब डाउन 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 अप अप डाउन अप, ये स्ट्रमिंग पैटर्न है। डाउन अप अप डाउन अप, तो ये स्ट्रमिंग पैटर्न को आप लोग अगर स्पीड में करेंगे तो सेम यही पैटर्न आप लोग का आ जाएगा। डाउन अप डाउन अप अप, ये याद रखना है, यही इसका स्ट्रमिंग पैटर्न है।
कॉर्ड्स आप लोग देख लीजिएगा, मैंने वीडियो पे दिया हुआ है कॉर्ड्स ऑलरेडी, तो वो कॉर्ड को फॉलो करके आप लोग बजाने का कोशिश कीजिए इस सॉन्ग को। इसका जो प्लॉकिंग पैटर्न है वो सॉन्ग में एक छोटा सा प्लॉकिंग पैटर्न आप लोग ने सुना होगा, गिटार का प्लॉकिंग है वो, तो वो प्लॉकिंग इस टाइप से बजाना है। डी माइनर कॉर्ड आप लोग को इस टाइप से पकड़ना है, उसके बाद डी माइनर कॉर्ड पकड़ने के बाद जो हम लोग का फोर्थ एंड थर्ड फिंगर है वो आप लोग उठा दीजिए, तो जो बचा हुआ है फिंगर्स तो उसी से, मतलब उसी में ही प्लॉकिंग है। तो प्लॉकिंग हम लोग का फिफ्थ स्ट्रिंग, थर्ड फिफ्थ स्ट्रिंग, सेकेंड स्ट्रिंग एंड थर्ड स्ट्रिंग पे प्लॉकिंग है। तो फिफ्थ स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, सेकेंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, ये एक पैटर्न हो गया, ये एक पैटर्न हो गया, मतलब बस इस टाइप से बजाना है। और जो सेकेंड प्रोग्रेशन है प्लकिंग का, फिफ्थ थर्ड, और जो ये हम लोग का जो पिंकी फिंगर है, पिंकी फिंगर से आप लोग को एट फ्रेट में, सेकेंड स्ट्रिंग के एट फ्रेट में मतलब पकड़ना है। तो सेकेंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, बस सिर्फ चेंज एक ही है, जो पिंकी फिंगर है उससे हम लोग को एट फ्रेट पे बस पकड़ना है, यही प्लकिंग पैटर्न है। तो ये एक पैटर्न हो गया मतलब, और जो दूसरा पैटर्न है थर्ड थर्ड स्ट्रिंग पे, मैं थोड़ा क्लोज में दिखा देता हूँ आप लोगों को इस टाइप से, ये एक पैटर्न हो गया, दूसरा बस इतना ही है प्लकिंग पैटर्न, तो इसी को कंटिन्यू बजाया है प्लकिंग पैटर्न। तो ये हो गया प्लकिंग पैटर्न हम लोग का, बस इतना ही है प्लकिंग पैटर्न। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोग कमेंट करना ना भूले, क्योंकि आप लोग के कमेंट से ही मुझे प्रेरणा मिलती है और मैं न्यू लेसन या न्यू टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, हम लोग जरूर मिलेंगे मेरे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।